two, three, four, five, six, do it. जैसे इनम मम्मी ने कहा, बाबा ने कहा कि जब तक जीना है पीना है, लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं कि जैसे 2018 से 36 तक का जो पीरियड है, और 2018 से बाबा गुप्त हो जाएंगे, मतलब महाशिवरात्रि के बाद, और याद का अन्न भी नहीं मिलेगा. याद का अन्न भी नहीं मिलेगा. अंत अन 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 अन्न अन्न खुराक, याद की खुराक नहीं मिलेगी. माने स्थूल अन्न भी नहीं मिलेगा. हाँ. इतना अकाल पड़ेगा जो स्थूल अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा. और जैसे ऑटोमेटिक भट्टी चलना है और ज्ञान का सब्जेक्ट समाप्त होना है, उसका हाँ? मतलब क्या हुआ बाबा? बाबा जहाँ कहीं भी रहेगा, हमारी अव्यक्त स्टेज के आधार पर हम बाबा को साथ अनुभव करेंगे. अभी जो अव्यक्त स्टेज बनाएंगे वो वहाँ उस काल में बाबा के प्रत्यक्ष होने के बाद वो स्टेज हमारी काम में नहीं आएगी. अभी देवान की स्टेज में रहेंगे ज्यादा तो अंत मते सुगति हो जाएगी. लेकिन बाबा मुरली तो अंत तक चलेगी ना. मुरली हमारे अंदर नहीं चलती है क्या? हर आत्मा के अंदर मुरली चलती है कि नहीं? थोड़ी बहुत चलती है. चलती है एडवांस वालों के अंदर. तो किसी के अंदर लगातार चलेगी, किसी के अंदर थोड़ी चलेगी. प्रैक्टिस की बात है. जितनी जो प्रैक्टिस करे, अव्यक्त रहने की प्रैक्टिस करनी है. व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे उसमें रमण करना, अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देता उन बातों में रमण करना. स्वर्ग इन आंखों से दिखाई नहीं देता, स्वर्ग की दुनिया में हम मनन चिंतन मंथन से रमण करते रहे. ज्ञान में रमण करते रहे. एक्यूरेट बिंदु की याद में साकार में निराकार को देखते रहे. वो भी पूरी अव्यक्त स्टेज है. ऐसे नहीं है कि साकार सबको हर समय याद आता रहता है. बहुत कहते हैं हमको याद ही नहीं आता साकार. प्रयास करते हैं तो भी चेहरा याद नहीं आता. अब साकार ज्यादा से ज्यादा समय अव्यक्त स्टेज में रहता है, मनन चिंतन मंथन में रहता है, नई दुनिया की प्लानिंग करने में स्थिर रहता है, आत्मिक स्टेज में स्थिर रहता है, बाप की याद में स्थिर रहता है. तो जो अव्यक्त है उसको अव्यक्त आंख से ही देखा जा सकता है ना. अव्यक्त आंख जिसने बनाई है वो देखेगा. वो देह का सुख लेने में ही जो व्यस्त है उसको कैसे दिखाई पड़ेगा? देह का सुख भी लेना है तो भी बाबा कहते याद में लो. बाबा की याद में रह के भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोग भोगो इंद्रियों के. वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना.